हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्लास 12th। हमारा नेक्स्ट वीडियो था, देखिए हमारा गॉस लगा था, उस सब गॉस थ्योरम तक सब कुछ एकदम क्लियर हो गया है। न्यूमेरिकल सारे कंफर्म हो गए हैं, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गए हैं। आफ्टर गॉस लॉ के जो कॉन्सेप्ट हैं, मतलब अप्लीकेशन, आप गॉस लॉ पे जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके, गॉस की थ्योरम पे जो न्यूमेरिकल्स हैं उस पर हम देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखिए, समझिए। देखिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दें पहले, अब हम न्यूमेरिकल में आपको फार्मूला बताएंगे, वैल्यू रखेंगे, सॉल्व आप करेंगे। पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे, बट टाइम वेस्ट हो जाता है इससे और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। पहला क्वेश्चन है, ए चार्ज आप 17.7 × 10⁻⁴ कूलम चार्ज दिया गया है, 17.7 × 10⁻⁴ कूलम ये चार्ज है। इसके तुरंत बाद कह रहा है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस ओवर ए लार्ज सीट ऑफ एरिया, ये 200 मीटर स्क्वायर एरिया के सीट पर डिस्ट्रीब्यूट है। अच्छा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। डिस्टेंस मतलब डी दिया है 20 सेंटीमीटर, आपको ई बताना है। देखिए अब सबसे पहले हमारे पास क्यू ए डी इनसे कोई मतलब नहीं, ई बताना है, तो ई के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होना चाहिए, सिग्मा अपान 2 ε₀। ये तो होता है ना अप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में, हम लोगों ने ई का ही फार्मूला तो पढ़ा था। अब इसके लिए भी मेरे पास एक फार्मूला होना चाहिए, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए। ये दो फार्मूले हम यूज करेंगे। पहले इस फार्मूले में रखिए, इसमें तो किसकी सिग्मा की वैल्यू आएगी, हमने रखा, चलिए रख दिया, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू, क्यू की जगह 17.7 × 10⁻⁴ और ए की जगह 200। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से जो समझ में आए, एक पॉइंट और लगा दीजिएगा, 3 जीरो हो गए, 177/2000 × ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁴ हो जाएगा। तो अब जो भी जैसे भी समझ में आए, तुम्हारा काम है अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर लेना। ठीक, अब मान लो और आगे सॉल्व करवा दें हम थोड़ा सा, तो हो जाएगा 177/2 × 10⁴ × 10⁴, ये ऊपर गया तो हो जाएगा 177/2 × 10⁴ × 10⁻³, ये बन जाएगा 177/2 × 10⁴³ गया तो 1, 2 से 10 गया तो 5 हो जाएगा, 17 × 5 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आपकी वैल्यू आ गई किसमें, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा की वैल्यू आई। अब यहाँ पुट कर दीजिए, E इज इक्वल टू 775/2 ε₀ की वैल्यू 8.85 × 10⁻¹². अब ध्यान समझिएगा, यहाँ जो 20 सेंटीमीटर दिया है इसका कोई काम नहीं है, इसको सेम आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी कार्यक्रम की शुरुआत की जाए आगे। चलो भाई देखो इसके बाद क्या कह रहा है, अब सॉल्व कर लीजिएगा आप, आ गए यहाँ। चलिए सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ए चार्ज ऑफ, ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ए चार्ज मतलब क्यू ऑफ 2 × 10⁻⁶ कूलम, 2 × 10⁻⁶ कूलम। आगे इसी में कह रहा है, इज प्लेस्ड क्लोज टू ए नॉन कंडक्टिंग प्लेट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 4 × 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब ये 4 × 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। आगे फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द प्लेट, आपको यह बताना है यह। चलिए भाई सॉरी एफ के लिए, अब एप्लीकेशन आप गॉस लॉ याद रखिएगा, क्यू सिग्मा और क्यू दिया पहले, क्या फार्मूला ये होता ना, इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 ε₀, ये होता है बताना, लेकिन हमको फोर्स है तो फोर्स का फार्मूला एक ये भी तो होता है, इज इक्वल टू एफ अपान क्यू होता है। तो यहां से अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको ले लें और सेकेंड इसको ले लें तो यहां से जाएगा एफ अपान क्यू इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 ε₀,
इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्यू इधर चला जाएगा, हो जाएगा एफ इज इक्वल टू सिग्मा इंटू क्यू अपान टू एप्सिलॉन नॉट, ये एफ की वैल्यू आ गई। लेकिन लेकिन क्या सब ठीक है, सारी वैल्यू पुट करिए, सिग्मा भी क्यू भी एफ भी जो जो आपके पास है वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। एफ इज इक्वल टू सिग्मा की जगह 4 × 10⁻⁶, क्यू की जगह 2 × 10⁻⁶, अपान टू की जगह कुछ भी नहीं 8.85 × 10⁻½। देखो ये सिक्स मिलके 12 होता थे, 12 उड़ गया अपने आप, 2 से ये 2 चला गया, ऊपर बचा 4, नीचे बचा 8.85, पॉइंट हटाया ऊपर 2 जीरो बढ़ा, 400/885। सॉल्व कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आपके सामने दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। देखो भाई जो थर्ड है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे ए पार्टिकल ऑफ मास 9 × 10⁵ ग्राम, एक पार्टिकल का मास है m 9 × 10⁵ ग्राम, ये पार्टिकल का मास है, ठीक है, केप ओवर ए लार्ज हॉरिजेंटल सीट ऑफ चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा 5 × 10⁻⁵ कूलाम पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा की वैल्यू हो गई। आगे कह रहा है वाट चार्ज शुड बी गिवन, चार्ज मतलब क्यों, वाट कितना दिया है, सॉरी क्या, वाट चार्ज शुड बी गिवन टू द पार्टिकल सो दैट इफ रिलीज्ड इट डज नॉट फॉल, कोई मतलब नहीं हमको दुनियादारी से क्या मतलब, हमको चार्ज बताना है तो चार्ज वाले फार्मूले पे ध्यान दो सीधे। एम है, सिग्मा है, पहला फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताइए भाई, सोच लीजिए फिर बताइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। एफ के फॉर्म में एक फार्मूला अभी हमने दिया था ना, ई इज इक्वल टू एफ अपान क्यू, ठीक है, हमको पता है एफ इज इक्वल टू एम जी भी तो होता है, तो यही एफ की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो तो हो जाएगा ई इज इक्वल टू एम जी अपान क्यू, ये इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी हमको लेकिन क्या बताना है, हमको बताना है क्यू, ई को इस तरफ ले आओ हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू एम जी अपान ई, यहाँ तक का मामला क्लियर है। अभी एक प्रॉब्लम और है, हमें हमारे पास ई नहीं है, देख लो एक बार हो तो शायद तुम्हें मिल जाए कहीं, क्लियर ना, अब ई की जगह क्या रखोगे, एक फॉर्मूला और होता है ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट, इसको यही पुट कर दो तो हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू एम जी अपान, इसको थोड़ा और इजी तरीके से करते हैं, थोड़ा टफ होता जा रहा पड़ा ये, देखो इसको मैंने हटाया, रुको फॉर्मूला थोड़ा इजी तरीके से करें नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे डायरेक्टली। आप देखिए पहले हमने डायरेक्ट इसको किया, हमारे पास जो फॉर्मूला है इज इक्वल टू सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट और इज इक्वल टू एफ अपान क्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, सेकेंड मान लो, दोनों की इक्वेशन सेम है तो बन जाएगा एफ अपान क्यू इज इक्वल टू सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्यू की वैल्यू, तो पूरी वैल्यू को पलट दो, आप पलट दोगे तो क्या बन जाएगा, क्यू अपान एफ इज इक्वल टू टू एप्सिलॉन नॉट अपान सिग्मा, ये तो बनेगा, अभी एफ को उधर भेज दो तो हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एफ अपान सिग्मा। अब और समझिए, अभी तो समझना सब बाकी बाकी ना, देखो हमारे पास एफ नहीं एम दिया गया है तो एफ की जगह क्या रख देंगे एम जी, तो फॉर्मूला बन जाएगा क्यू इज इक्वल टू टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एम जी अपान सिग्मा, ये आपका बन गया फार्मूला। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए, वैल्यू हम रखे दे रहे हैं ठीक है, क्यू इज इक्वल टू 2 8.85 × 10⁻¹² इंटू एम की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻¹⁵, पहले ध्यान से क्वेश्चन देख लो भाई, 9 × 10⁻¹⁵ ये ग्राम दिया गया है, ग्राम इसको केजी में बदलोगे तो 9 × 10⁸ केजी हो जाएगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ पर, तो ये 8 लिख देना 8, और जी की वैल्यू 9.8 अपान क्या सिग्मा,
सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻¹। बाकी सॉल्व करना आपका काम है, ठीक है। जो कटे पिटे काट पीट दो, जैसे 5 से 8 कट जाएगा, 3 बचेगा माइनस का, और तो कुछ कहीं कट नहीं रहा, सब एक साथ लिख लो, 2 × 8.85 × 9.8 × 12 × 3 = 10⁻¹⁵, नीचे केवल 5। अब पॉइंट सारे हटा दो, 1 दशमलव गया, 2 0 a 0, ये तो बन गया 2 × 88 × 5 × 10⁻¹⁵, 5 × 10⁻³। बाकी सॉल्व करना आपका काम है, आगे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, हटा रहे इसको। क्वेश्चन नंबर 4th, हाँ गया भाई, हाँ 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है कि सर क्या कहना है, हमें बता रहा हूँ, ए लार्ज प्लेन सीट ऑफ चार्ज हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब सिग्मा कितना है, 5 × 10⁻¹⁶ कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद इसी में कह रहा है लाइज इन द एक्स वाई प्लेन, अच्छा आगे फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब फाई बताइए, थ्रो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो ए सर्कुलर एरिया ऑफ रेडियस, रेडियस मतलब आर दिया है 0.1 मीटर। आगे इसी में कह रहा है इफ द नॉर्मल द सर्कुलर एरिया मेक्स एन एट एंगल 60 डिग्री, एंगल मतलब 60 डिग्री थीटा दे दिया गया है, फिर विद द जेड एक्सिस। तो चलिए भैया सेम कार्यक्रम शुरू करिए, आप एक्स वाई जेड को भूल जाइए, इससे कोई मतलब नहीं, हमको फाई निकालना है। हमको पता फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, फेमस फार्मूला है, ठीक है। हमें फाई निकालने के क्या क्या चाहिए, ई चाहिए, ए चाहिए, थीटा चाहिए। थीटा हमारे पास है, ई नहीं है, ए नहीं है। अब ए की जगह क्या लिख सकते हैं बताइए, अगर कहीं पर ए लिखा आएगा तो स्फीयर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्फीयर मतलब ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और ई की जगह क्या लिखोगे सोचो जल्दी, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 ε0 होता है, ये दोनों वैल्यू यहां रख दो, फाई इज इक्वल टू ई की जगह सिग्मा अपॉन 2 ε0 इंटू ए की जगह पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, थीटा की जगह 60 है तो कॉस 60 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻¹⁻² × 8.85 × 10⁻¹² × 4 × π की जगह 3.14, आर की जगह 0.1 है तो 0.1 का स्क्वायर करोगे 2 टाइम हो जाएगा 0.1, 0.1 × 0.1 cos 60 की वैल्यू 1/2, ठीक। अब इस 2 से चाहे 4 को उड़ा दो, यहाँ 2 बचेगा, इस 2 से फिर ये 2 उड़ा दो, खत्म। अब इसको सॉल्व करना तुम्हारा काम है, सॉल्व कैसे होगा, इधर इरेज करे तो नहीं, इधर समझ लो पहले, इस तरफ हटा दें। देखिए इसे सॉल्व करने के लिए हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू 5 × 10⁻¹⁶ × 3.14 × 0.1 × 0.1 अपान, छूट तो नहीं रहा है, ठीक है। नीचे 8.85 × 10⁻¹² यही तो है, 12 से 16 गया तो ऊपर -4 बचा, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्योंकि पॉइंट बार 2 डिजिट यहां है, 2 यहां है, ये पॉइंट है नीचे 1 जीरो बढ़ा, ये पॉइंट है नीचे 1 जीरो और बढ़ा, ये 0 है 1 के साथ बढ़ेगा तो पता ही है, ये हो जाएगा 5 × 3.14, 1 1 का कोई मतलब नहीं, × 10⁻¹⁴, नीचे 8 × 10⁻², ये 2 जीरो 2 हो गया ना। अब इसको ऊपर लेते जाओ तो ये बन जाएगा 3 1 4 × 5 अपॉन 8 8 5 ×
टेन दी पावर माइनस फोर इंटू टेन दी पावर माइनस टू, या इसी को डायरेक्ट लिख सकते हो चार दो छः। अब ये सॉल्व करना आपका काम है, भाग गुणा ये सब करिए आप भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, इसे इरेज कर रहा हूँ मैं ना। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, सुशील, गुणवान, धनवान सब कुछ है भैया। पढ़ते पढ़ते जो नहीं बाद में यही मिलेगा, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ये ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो आप लोग। 11 लोग वीडियो देख रहे हैं, 12 लोग देख रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ रहे हो आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट कह रहा है पांचवा क्वेश्चन ना। आई स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, रेडियस मतलब आर 12 सेंटीमीटर, इसी में कह रहा है हैज चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 7 कूलम, 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 7 कूलम, ठीक। फिर इसी में कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई बताना है कहां पर। तीन कंडीशन है, पहला इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड कहां स्फीयर का, सेकेंड फिर आउटसाइड होगा, हाँ आउटसाइड, सेकेंड है आउटसाइड, और जो थर्ड है वो है एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। चलो भैया शुरू करो, पहले ई बताना है क्यों है, आर है तो पहले दिमाग वमाग लगा लो ताकि समस्या ना आए। पहले देखो आर किस में है हमारा, सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदल लो तो क्या करेंगे 12 इंटू 10 द पावर माइनस 2 मीटर, ये तो लिखेंगे, ठीक हो गया सर, हाँ लिख दिया। चलो अब इसके बाद में हमें बताना है ई की वैल्यू, तो हमारे पास देखो क्यू और आर के फॉर्म में ई का ये फॉर्मूला होता है, ई इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों ने क्यू और आर के रूप में पढ़ा है। अब देखो प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही धीरे धीरे पता लग जाएगा कहाँ का यूज होता है, परेशान होने वाली बात नहीं है कोई। इतने की वैल्यू 9 इंटू 10 द पावर 9, पहले पे देख रहे हैं हम इनसाइड द स्फीयर पे। अच्छा अब समझो, पहले ये स्फीयर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जल्दी बताओ इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो, क्योंकि स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता, बताया गया था पहले भी आपको कि अंदर इनसाइड द स्फीयर ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, पहली पोजीशन तो खत्म, इसका आंसर क्या जाएगा जीरो खत्म। आउटसाइड पे बात कर रहे हैं हम सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर बात करेंगे तो देखो 1/4π0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, क्यों की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁷ अपान आर की वैल्यू 12 × 10⁻², वो भी 2 टाइम लिखा जाएगा क्योंकि यहां पर आर का स्क्वायर है ना, जो कट पिट रहा हो काट पिट दो, 9 × 1.6 × 10⁻⁹ अपान 12 × 12 × 10⁻², ठीक है। निपटाओ भैया निपटाओ, बाकी काम तुम्हारा है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। ये 2 × 2 = 4 कटा, 7 से 4 गया 3 हो गया, तो ये नीचे हो गया 9 × 1.6 / 144, इन दोनों का मल्टीप्लाई 144 होगा ना, ये हो गया 10⁻⁹। अब इसे सॉल्व करिएगा मल्टीप्लाई करके आप, ठीक है। देखो प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ना, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं एक वीडियो केवल न्यूमेरिकल सॉल्विंग का बना दूँ, ट्राई करूंगा आपके कमेंट के पहले बना दूँ, जिसमें हम केवल वैल्यू सॉल्व करना बताएं। अब बेटा डिवाइड करना मल्टीप्लाई करना ये तो आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि आप 12th में पहुंच गए हो, अगर हम लोग इतनी छोटी छोटी बातें सीखेंगे तो फिर सिलेबस कब कवर करेंगे ना, मेरी प्रॉब्लम समझ में आ रही है ना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं भाई, नेक्स्ट सॉरी थर्ड टॉपिक तो भूल ही गया मैं, अच्छा ये हो गया, चलो हम थर्ड इसी में बता दे रहे हैं आपको, डायरेक्ट आप जान लें। देखें आप ये जो सेकेंड था, आप जब इसका थर्ड स्टेप सॉल्व करेंगे ये वाला,
तो यहां पर आर की वैल्यू 18 सेंटीमीटर, मतलब 18 × 10⁻²⁪ मीटर रख देंगे बस यहां इस जगह पे, यहां इस जगह पे 18 × 10⁻²² का होल स्क्वायर कर देंगे, बाकी क्यू की वैल्यू सेम रहेगी, सॉल्व ऐसे ही होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, सॉल्व करके सबके आंसर बताने हैं आपको, हमें चाहिए, मंडे को चेक करूंगा मैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अगला 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 क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद बेटा जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, समझो एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस ए फील्ड ऑफ, चलो सिक्स है जो भी है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई प्रोड्यूस करता है, 9 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम। इसी में कह रहा है कि एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस मतलब डी ले लो भी 4 सेंटीमीटर, मीटर में बदल लो तो 4 × 10⁻²। फिर इसी में आगे कह रहा है कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, एल होती है, देख लो ना आए पहले पूछ लो भैया, हम नहीं चाहते आपको कोई समस्या हो, लेकिन इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, समझिएगा एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज की बात कर रहा है, तो आपको फॉर्मूला बताए दे रहे हैं, आप तुरंत नोट कर लीजिए। फॉर्मूला ये होता है ई इज इक्वल टू 1/2π ε₀ × λ/r, ये फॉर्मूला बनता है। हमें क्या निकालना है, आर की जगह डी भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ डी लिखा है ना हमने, तो यहाँ डी भी लिख सकते हैं, λ/d। अब देखें हमको निकालना किसकी वैल्यू, एल की, मतलब ये क्या मिस्टेक कोई किया रे यार, सॉरी लेमडा चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा होता है, सॉरी बेटा हमें लेमडा निकालना है। ठीक है, सबको इधर भेज दो, ई इज इक्वल टू, सॉरी ई इंटू 2π ε₀ इज इक्वल टू, और डी इधर भेज दो, तो इंटू डी इज इक्वल टू लेमडा, ये आपका फॉर्मूला बन गया, चेक कर लीजिए एक बार, सब कुछ सेम है। अच्छा अब फिर सेम काम, वैल्यू सब पुट करो, लेमडा इज इक्वल टू ई की वैल्यू, हमें ये बना ना ई इज इक्वल टू 2π ε₀ × d, तो लेमडा इज इक्वल टू ई की वैल्यू 9 × 10⁹, 2 की 2 ही 3.14, पाई की वैल्यू ना, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 × 10⁻½, और इंटू डी की वैल्यू क्या है 4 × 10⁻²। क्या करेंगे, पहले जिसमें पावर नहीं लगी उसको एक साथ कर लो, 9 × 2 × 3.14 × 8.85 × 4, अब पावर वाले एक साथ कर लो, 10⁻⁹ × 10⁻²× 10⁻²। ठीक है, सबका पॉइंट की माँ बहन एक कर डालो बैठे बैठे, अब उड़ा लो यार, अब तो एक छोटे मोटे काम कर ही लोगे, 9 × 2 = 18 हो जाएगा, पॉइंट हटा दोगे अभी तो कितना 3 × 1 = 4 × 8 = 8.5, और इंटू 4 भी है ये 9 12 2 14, माइनस में दोनों ना 14 से 9 गया, तो 10⁻⁵ होगा, नीचे 2 0 यहाँ कैंसिल, 2 अंक यहाँ था 2 यहाँ, तो 10⁴ हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, चाहे ऐसे उड़ा लो अपने हिसाब से, सॉल्व कर लेना, अब आपका काम है इसको सॉल्व करना। ठीक है, चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई, बहुत क्यूट सा प्यारा सा अच्छा सा भोला सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 8 जो भी था ना, ये कह रहा है अ सिलेंडर ऑफ लार्ज लेंथ कैरीज ए चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁸ कूलाम पर मीटर। देखो ए सिलेंडर ऑफ लार्ज लेंथ, लार्ज लेंथ देखो ये वैल्यू जो दी है वो दी है 2 × 10⁻⁸ कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर किसकी यूनिट होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लेमडा की। आगे इसी में कह रहा है कि क्या कह रहा है भाई, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.2 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, तो डी इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर है, इसको मीटर बदलो पहले, तो 0.2 × 10⁻²⁪ मीटर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई बताना है। चलो भाई सेम फार्मूला अभी हम लोगों ने जो लगाया था वही दिमाग लगाओ,
देखो E इज इक्वल टू वन अपान टू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपान डी, ये फॉर्मूला बनेगा। अब समझो यहां पर तो का सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, इसलिए एक काम करो, यहां ना टू से ऊपर यहां भी नीचे भी मल्टीप्लाई करने पर, यहां लिखो मल्टीप्लाई विथ टू डिनोमिनेटर एंड नॉमिनेटर, दोनों जगह टू से मल्टीप्लाई करो यहां, तो क्या बनेगा ये, जब ऊपर करोगे तो ये बन जाएगा टू अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपान डी, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टू लैम्डा अपान डी, ये बनेगा। अब इतनी कि हमको डायरेक्ट वैल्यू पता है, नाइन इंटू टेन द पावर नाइन इंटू टू, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, सॉरी 2 इंटू टेन द पावर माइनस 8 अपान डी की वैल्यू 0.2 इंटू टेन द पावर माइनस 2, आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्लियर। चलो आगे के जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं ना, ये आपको स्वयं लगाना है, अपने आप से ट्राई करना है, खुद से लगाइएगा, लगाइएगा जरूर। अगला जो आपका क्वेश्चन है, आप देख ही पा रहे हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा ना क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जहां दिक्कत हो पूछिएगा, ठीक, हमें भेजिएगा या बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में एज ए होमवर्क आपको बता देंगे, आप इन्हें अच्छे सॉल्व कर लीजिएगा। बेटा देखो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, आपको न्यूमेरिकल से डर आपका भागेगा, और नहीं लगाओगे तो फिर आप डरे से रहोगे, फिर ये डर ना लाइफ टाइम बना रहेगा और हमेशा आपको दिक्कत होती रहेगी। चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार आप सभी को, आप सबकी वजह से ही हमारे जो भी सब्सक्राइबर हुए 400-500, अभी तो हमने छोटी सी जर्नी स्टार्ट की है, लेकिन मात्र हमने एक सब्सक्राइबर से स्टार्ट किया था, किसी एक बंदे ने कमेंट किया था, एक सब्सक्राइबर से, धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ रहा है, इस बार आप लोगों का प्यार है और आपकी वजह से हो रहा है, और आई होप कि आप इन वीडियोज़ को शेयर भी कर रहे होंगे लोगों तक, और लोगों को सब्सक्राइब भी करवा रहे होंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। मिलते फिर अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।